Hello everyone, so in today's video we are going to learn 15 most commonly used embroidery stitches. So let's start. Let's thread the needle first. We are going to do the whole embroidery with 6 strands thread. Now we will knot our thread. For this, take your thread between your index finger and thumb, roll it once, push it outside and pull it down. हम ये extra धागा cut करेंगे so that हमारा hoop पीछे से भी उतना ही finished लगे. सबसे पहले हम सीखेंगे बैक स्टिच. अपने सुई को ऊपर लेंगे फ्रॉम पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 से हम उसे नीचे डालेंगे एट एनी डिजायर्ड लेंथ. अब पॉइंट 3 से हम सुई को वापस ऊपर लेंगे और पीछे की तरफ पॉइंट 2 में डालेंगे. क्योंकि हम यहाँ स्टिचेस बैकवर्ड ले रहे हैं इसे बैक स्टिच कहते हैं. पॉइंट 4 से हम सुई को वापस ऊपर लेके पीछे की तरफ पॉइंट 3 में डालेंगे. हम पूरे लाइन पे इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे. बहुत बार एम्ब्रॉयडरी करते टाइम हमारे थ्रेड में नॉट्स पड़ जाते हैं एंड इसे अवॉइड करने के लिए जब हम स्टिच करेंगे हम हमारा इंडेक्स फिंगर थ्रेड पे रखेंगे जिसके वजह से थ्रेड इजीली नीचे जाएगा और उसमें नॉट्स नहीं आएंगे. बैक स्टिच का यूज़ लेटरिंग और आउटलाइंस के लिए किया जाता है. ये स्टिच एम्ब्रॉयडरी की सबसे बेसिक और सिंपल स्टिच है and it is a base for many other stitches like stem stitch, split stitch and many more. हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारी सारी stitches एक ही size की है so that हमारा line बहुत ही finished दिखे after completion. It looks beautiful. अब मैं दिखाऊंगी कि स्टिच को एंड कैसे करना है एट द बैक. हम हमारे लास्ट स्टिच के नीचे से धागे को निकालेंगे, एक लूप रखेंगे और सुई को उस लूप में से निकालेंगे सो दैट एक नॉट बने. ये प्रोसेस हम दो बार रिपीट करेंगे सो दैट वी गेट अ गुड स्ट्रॉन्ग नॉट. और हम हमारे एक्सेस धागे को कट करेंगे. Here you have a perfect finished stitch. हमारा next stitch है stem stitch. ये भी back stitch family का ही एक stitch है. पहले हम एक simple stitch लेंगे from point 1 to point 2. अब हम point 3 से needle को ऊपर लेंगे और हमारा जो first stitch था उसके नीचे डालेंगे. पॉइंट 4 से हम वापस सुई को ऊपर लेंगे और हमारे प्रीवियस स्टिच के नीचे उसको डालेंगे. हमारे प्रीवियस स्टिच के नीचे धागा डालने से ये होता है कि वी गेट अ ट्विस्टेड लुक ऑफ द थ्रेड. ये सेम प्रोसेस हमें पूरे डिजाइन पे रिपीट करना है. अनलाइक बैक स्टिच इसमें हमें कट्स दिखाई नहीं देते हैं. ये स्टिच का इस्तेमाल हम फ्लावर स्टेम्स के लिए करते हैं, आउटलाइंस के लिए या लेटरिंग के लिए भी कर सकते हैं. इसे कर्व्ड लाइंस बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं. लेट्स जंप टू अवर नेक्स्ट डिजाइन.
ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन है, इट्स अ फ्लावर जिसके स्टेम पे हम बैक स्टिच कर रहे हैं. नाउ वी विल फिल दिस शेप विद सैटिन स्टिच. बिकॉज इट्स अ पॉइंटेड शेप, वी विल स्टार्ट टेकिंग स्टिचेस फ्रॉम द ब्रॉडर पार्ट ऑफ द शेप एंड पुट डाउन ऑल अवर स्टिचेस बैक टू द पॉइंटेड पार्ट. हमारा नेक्स्ट स्टिच है लेजी डेजी स्टिच. हम सुई को ऊपर लेंगे फ्रॉम पॉइंट वन और वापस उसी पॉइंट में डालेंगे बाय लीविंग अ स्मॉल लूप ऑफ थ्रेड. नाउ हम पेटल के एंड से सुई को वापस बाहर निकालेंगे थ्रू द लूप एंड हियर वी हैव अ क्यूट पेटल. अब इस स्टिच को कंप्लीट करने के लिए हम सुई को नीचे डालेंगे पेटल के दूसरी तरफ से. दिस इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट स्टिच. It is called lazy daisy stitch because it looks like a petal of daisy flower. Lazy daisy stitch से हम flower petals और leaves बनाते हैं. हमारे नेक्स्ट स्टिच का नाम है पिस्टल स्टिच. हम धागे को ऊपर लेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. अब हम धागे को नीडल के अराउंड दो बार घुमाएंगे एंड से 1 सेंटीमीटर का एक स्टिच लेंगे. मेक श्योर आप धागे को छोड़े ना, उसे अपने थंब में ग्रिप करके रखें. एक बार वापस आप इस टेक्निक को ध्यान से देखिए. धागे को ऊपर लेंगे, नीडल के अराउंड रोल करके एक डिजायर्ड लेंथ का स्टिच लेंगे. इस स्टिच का इस्तेमाल हम फ्लावर पिस्टल्स के लिए कर सकते हैं एंड बटरफ्लाई एंटीनास के लिए भी ये ग्रेट है. अब हम सीखेंगे स्प्लिट स्टिच. इसके लिए हम एक नॉर्मल स्टिच लेंगे फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू. अब पॉइंट थ्री से हम हमारी नीडल को निकालेंगे और पीछे की तरफ की स्टिच को स्प्लिट करेंगे और सुई को नीचे डालेंगे. हम रिपीट करेंगे वापस पॉइंट फोर से द सेम प्रोसेस. इसमें हमें हर एक स्टिच को स्प्लिट करते जाना है. दिस लुक्स वेरी स्मूथ वंस इट्स कंप्लीट. स्प्लिट स्टिच का यूज हम लेटरिंग के लिए, आउटलाइंस के लिए और लाइन आर्ट के लिए करते हैं. हमारा जो नेक्स्ट फ्लावर है उसका स्टेम हम स्टेम स्टिच से करेंगे. वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस एज टॉट इन द वीडियो बिफोर. नेक्स्ट हम सीखेंगे फर्न स्टिच. पॉइंट वन से हम हमारी सुई को ऊपर लेंगे और पॉइंट टू में डालेंगे. हम एक लूप ऑफ थ्रेड छोड़ेंगे और सेंटर पॉइंट से सुई को ऊपर लेंगे और एक डिजायर्ड लेंथ पे नेक्स्ट पॉइंट पे नीचे डालेंगे. हियर वी गेट अ वाई शेप्ड स्टिच. अब हमें यही सेम प्रोसेस पूरे डिजाइन पर रिपीट करना है. फर्न स्टिच का यूज ट्री ब्रांचेस और फर्न्स के लिए किया जाता है. Isn't it looking beautiful? हमारा नेक्स्ट स्टिच है विब स्टिच. विब स्टिच करने के लिए हम पहले हमारी डिजाइन पे बैक स्टिच करके लेंगे. जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैक स्टिच बहुत सारे स्टिचेस का बेस है, तो विब स्टिच का बेस भी बैक स्टिच है. अब हम स्टार्टिंग पॉइंट से हमारी सुई को ऊपर लेंगे और हमारे बैक स्टिच के नीचे से सुई को निकालेंगे. बेसिकली हमें बैक स्टिच को विप करना है विथ अनदर थ्रेड. यहाँ पे आप कोई कॉन्ट्रास्ट कलर भी ले सकते हैं. विप स्टिच का बेस्ट यूज आउटलाइंस, लेटरिंग और कर्व्ड लाइंस के लिए होता है.
आई फाइंड दिस स्टिच वेरी सेटिस्फाइंग. ओके, सो हमारी नेक्स्ट फ्लावर के स्टेम पे हम स्प्लिट स्टिच करेंगे. और इसके पेटल्स पे हम पिस्टल स्टिच करेंगे. अगर आपने ये वीडियो बीच से देखा है तो मैंने ये दोनों स्टिचेस स्टार्टिंग में सिखा दिए हैं. हमारे नेक्स्ट स्टिच का नाम है चेन स्टिच. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टिचेस. पॉइंट वन से हम सुई को ऊपर लेंगे और वापस उसी पॉइंट में डालेंगे. एक लूप छोड़ेंगे, हम कम्प्लीटली धागे को नीचे नहीं लेंगे. अब पॉइंट टू से हम सुई को ऊपर लेंगे फ्रॉम द लूप ऑफ थ्रेड दैट वी हैड लेफ्ट. हियर वी हैव फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर चेन. नाउ वी विल कंटिन्यू द सेम प्रोसेस थ्रू आउट द डिज़ाइन एंड क्रिएट अ चेन ऑफ स्टिचेस. Chain stitch looks best in lettering and filling shapes. It is also used to attach pearls and beads to fabric. This is my favorite stitch. Next हम सीखेंगे running stitch. इसके लिए point one से सुई को ऊपर लेंगे, point two में डालेंगे, फिर हम उतना ही gap छोड़ के पॉइंट थ्री से सुई को निकालेंगे और पॉइंट फोर में डालेंगे. रनिंग स्टिच में वी ओनली कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड इसके लिए उसका नाम रनिंग स्टिच है. दिस इज़ द मोस्ट बेसिक स्टिच ऑफ एम्ब्रॉयडरी. इट इज़ यूज टू क्रिएट पैटर्न्स एंड गैदर्स इन अ फैब्रिक. इस स्टिच को हम हैंड सुइंग में भी यूज करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम सीखेंगे फ्रेंच नॉट्स. French knots add a lot of beauty to your project, so I suggest you practice them very nicely. सुई को हम पॉइंट से ऊपर लेंगे. हम धागे को सुई के अराउंड दो बार घुमाएंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज. जिस पॉइंट से हमने सुई को ऊपर लिया था उसके थोड़े से बाजू में हम सुई को वापस नीचे डालेंगे. हमें जो धागा है वो हमारे थंब से पकड़ के रखना है. And we have a perfect round French knot. अब हम थोड़ा बड़ा knot बनाएंगे. इसके लिए हम धागे को सुई के अराउंड तीन बार लपेटेंगे. सुई के अराउंड धागा घुमाते टाइम ये ध्यान रखना है कि सुई कपड़े से पैरेलल है. हमेशा सुई नीचे डालते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें कि हम सेम पॉइंट से उसे नीचे नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा साइड से नीचे डाल रहे हैं. फ्रेंच नॉट्स को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है बिकॉज दे आर अ बिट ट्रिकी. फ्रेंच नॉट से हम फ्लावर्स के सेंटर फिल कर सकते हैं, शेप्स फिल कर सकते हैं और बहुत कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं. वंस डन दे लुक वेरी ब्यूटिफुल. फ्रेंच नॉट्स बनाते टाइम इन कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सुई को हम कपड़े से पैरेलल रखेंगे, ना कि पॉइंटेड, और हमें धागा बहुत टाइट नहीं लपेटना है एंड हमें सेम पॉइंट से धागे को नीचे नहीं डालना है. आई डोंट थिंक मैंने आज तक ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैंने फ्रेंच नॉट्स को यूज नहीं किया है. इट इज़ दैट फेवरेट ऑफ माइन. नेक्स्ट हमारा फ्लावर है जिसका स्टेम हम स्टेम स्टिच से बनाएंगे. आप चाहो तो इसे स्प्लिट स्टिच या विप स्टिच या बैक स्टिच से भी बना सकते हो, बट आई लव यूजिंग स्टेम स्टिच फॉर माई स्टेम्स.
नेक्स्ट हम सीख रहे हैं वोवन व्हील स्टिच। दिस स्टिच इज ऑल्सो नोन एज रोज स्टिच। एम्ब्रॉयड्री प्रोजेक्ट्स में रोज बनाने के लिए दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टिच। हमारे सर्कल में जो 5 स्पोक्स हैं, पहले हम उसे थ्रेड करेंगे। इन दिस स्टिच वी कैन यूज ऑड नंबर स्पोक्स ओनली, लाइक 3, 5 और 7। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज 5। सेंटर से नज़दीक हम हमारे सुई को ऊपर लेंगे। इन 5 स्पोक्स के हम अंडर और ओवर हमारे सुई को लेके जाएंगे। वी कैन मूव क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल फॉर यू। देर इज वन मंत्रा, सो वाइल यू डू दिस स्टिच जस्ट कीप सेइंग अंडर एंड ओवर एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग। This is a very satisfying stitch to do. If you want a flat flower, take loose stitches. But if you want a 3D flower, take a bit tight stitches at the center and then loose at the end. इस stitch को हम flowers और roses बनाने के लिए use करते हैं। This stitch is also known as spider web stitch. I love how this is looking like a 3D rose. So once your spokes are not visible, it means your stitch is complete. Now put your needle down and knot it from the back. Please make sure that you are not pulling the needle too hard or else your flower will spoil. नेक्स्ट हम ये छोटे लीव्स फिल करेंगे विथ स्ट्रेट स्टिचेस। वी जस्ट हैव टू टेक 3 स्ट्रेट स्टिचेस एंड इट्स डन। नेक्स्ट हम सीखेंगे ब्लैंकेट स्टिच। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बटन होल स्टिच। जैसे कि फर्न स्टिच में वी हैड वाई शेप्ड स्टिचेस, इस स्टिच में वी हैव एल शेप्ड स्टिचेस। सुई को पॉइंट 1 से ऊपर लेंगे और जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं थोड़ा आगे के साइड से नीचे डालेंगे। अब वापस लाइन पे पॉइंट 2 से हम सुई को ऊपर लेंगे लूप के अंदर से। हियर वी हैव अ एल शेप्ड स्टिच। अब हम वापस आगे के साइड से थोड़ा सुई को नीचे डालेंगे और हम नीचे तक इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इस स्टिच को ब्लैंकेट के एजेस सील करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे बटन होल के लिए भी यूज़ करते हैं एंड इन एम्ब्रॉयडरी इसे हम कटवर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इस लीफ को फर्न स्टिच से फिल करेंगे। इसके लिए पहले हम एक स्ट्रेट स्टिच लेते हैं टिल द सेंटर। अब हम सेंटर के लेफ्ट साइड से सुई को ऊपर लेंगे और राइट साइड में नीचे डालेंगे। हम इसे कंप्लीटली नीचे नहीं डालेंगे, एक लूप छोड़ेंगे और अब सेंटर से हमारी सुई को निकालेंगे और इस स्टिच को सील करेंगे। हम वापस सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, लेफ्ट से सुई को निकालेंगे और राइट में डालेंगे, लूप छोड़ेंगे, सेंटर से सुई को ऊपर लेंगे और स्टिच को सील करेंगे। और ऐसे ही करते करते हमें हमारा पूरा लीफ फिल करना है। लीफ फिल करने के लिए देर आर अ लॉट ऑफ स्टिचेस इन एम्ब्रॉयडरी, बट दिस इज माई पर्सनल फेवरेट बिकॉज आई फील दिस एड्स अ वेरी रियलिस्टिक टच टू अ लीफ। सो मैं इस स्टेम पे स्प्लिट स्टिच कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो डू स्टेम स्टिच और विप्ड स्टिच और बैक स्टिच।
सो दिस इज़ अ ब्रांच विथ स्मॉल लीव्स. इसमें हम लीव्स पे लेजी डेजी स्टिच करेंगे और ब्रांच पे हम नॉर्मल स्ट्रेट स्टिचेस करेंगे. अब मैं इस लाइन पे कॉन्ट्रास्ट कलर लेके विप स्टिच कर रही हूँ. हमने जैसे पहले विप स्टिच किया है सेम ही प्रोसेस करेंगे, हम सिर्फ धागे का कलर चेंज कर रहे हैं. दिस लुक सो ड्रामेटिक एंड नाइस. Next we have satin stitch. This is my favorite stitch to fill flowers. Always start satin stitch from the center of the shape. So take a straight stitch at the center. Now start filling the shape with some straight stitches. Take care that you don't go out of the shape, you have to follow the shape. We have to cover the whole shape with thread. This stitch is named so because once it's done, it gives a smooth finish just like satin. You have to adjust your stitches according to the shape. If your shape is narrow from the bottom, take inward stitches. And if your shape is equal at both the sides, take straight stitches. It's already looking so nice. And we have a cute satin stitch flower ready. I have used a split stitch here. We are filling this one with satin stitch. I don't need to tell you which stitch am I using in this leaf. If you have seen the video till here, you know exactly which stitch am I using here. Now that we have completed the whole design, it's time to embroider sunshine. I have used split stitch to do sunshine. You can also use whip stitch or stem stitch. So when you are at a curvy line, make sure you are taking small stitches. Let me know how you liked this video in the comments below.
यू कैन ऑल्सो ट्राई अवर सनशाइन DIY किट एंड लर्न दिस 15 बेसिक स्टिचेस एंड यूज देम एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन योर लाइफ लाइक ऑन योर टी शर्ट्स जैकेट्स जीन्स कैप्स एक्सेट्रा. Isn't that cool? Thanks for watching the video, guys. Now you know the 15 basic stitches of embroidery. So happy embroidering!